आ गया बना घर पे, आधा जोन घर में। सो है वेलकम गाइस, स्वागत है आपके एक और डुओ कॉन्कर रैंक पुश गेम प्ले वीडियो में। और भाई काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई कल वीडियो क्यों नहीं। अब यार कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी भाई, अब यार मेरा कल कोई गेम प्ले था नहीं और मेरे को कुछ डालना भी नहीं था, तो अगर गेम प्ले होता तो मैं तभी वीडियो डालता हूँ, और बेसिकली मेरे पे गेम था नहीं इसलिए वीडियो नहीं आई। अब बात करते हैं यहाँ पे इस वाले गेम की। और भाई आपने जो शुरू में इंट्रो देखा थोड़ा सा, वहाँ पे भाई वो गाड़ी की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो वहाँ पे बचना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप था। तो देखते हैं वहाँ पर हम बच पाते हैं या नहीं, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। एंड भाई आज वाले वीडियो में दो गेम प्ले होते हैं और दोनों एकदम खतरनाक होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले गेम की। तो यहाँ पे सामने की इस तरफ में दो बंदे होते हैं एंड हम इन वाले बंदों पर नेड वेड फेंक रहे थे, लेकिन भाई नेड वेड वहाँ जा नहीं रहते। और यहाँ पे अभी सर्कल भी स्टार्ट होने वाला था और उतने में हमको पीछे साइड से पड़ जाती है, तो यहाँ पे देखना मेरे टीममेट नॉक भी हो जाएगा। पीछे पड़ रही है। अब यार हम राइट की तरफ से फाइट ले रहे थे एंड भाई हमको पीछे की तरफ से पड़ जाती है, और भाई हमको लगा नहीं था कि हमारे पीछे कोई है, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। बट यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव तो कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा टीममेट एक गलती कर देगा। अब भाई आप दिमाग लगाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी में बैठना चाहिए, डासिया में या इसमें, क्योंकि भाई सर्कल स्टार्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली सी बात है जो गाड़ी सीधी खड़ी होगी तो उसमें बैठना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे जो हमारा टीममेट था वो डासियम बैठ जाता है एंड इसलिए उसकी पेटी बन जाती है। खैर गाइस यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी मेरे को पोजीशन चाहिए थी क्योंकि भाई अभी 13 बंदे अलाइव हैं इतने से सर्कल में, तो देखना इस वाले गेम से हम चिकन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, क्योंकि भाई अभी देखो अब भाई यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है एंड यहाँ पे अभी मेरे पे बैंडेज हैं और कुछ है नहीं, और भाई मेरी M4 में एमओ भी देख सकते हो, सिर्फ 6 ही एमओ बची हैं। तो यहाँ पे अभी सर्कल भी मेरा साथ छोड़ देता है एंड मेरी ये जो मैगलेन थी ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। एंड भाई आपको पता ही है कि अभी मेरा आईपैड पे थोड़ा हार्ड सेट नहीं है, तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अभी तो मेरे को सर्कल में निकल लेना चाहिए, क्योंकि भाई अभी 4 बंदे और अलाइव हैं। तो देखना यहाँ पे मैं यहाँ में गेट इन करने की कोशिश कर रहा था मैकलेन में, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यार आईपैड में, तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उतने मेरे को गोलियाँ पड़ती हैं, लेड़। अब यार यहाँ पे एक बंदा वॉच टावर में होता है एंड उसका मेरे को कोई आइडिया था नहीं, और भाई इसलिए भाई यहाँ पर मैं मरते मरते बचता हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही बंदे बचे थे, मतलब अभी बचने वाले हैं 3 ही बंदे। तो यहाँ पे देखना 1v1 की सिचुएशन होती है एंड यहाँ पे मेरे को हेल्थ वेल्थ मिल चुकी थी, तो यहाँ पे देखो कैसे चिकन निकालते हैं। बूस्ट मार, बूस्ट, ये 6x की कोई जरूरत भी ना। हाँ ठीक है, 2v1v1v1 है। हेलो भाई, ऑल पे हेलो भाई, हेलो। वैसे भी लास्ट में भाई कहाँ है तुम्हारा टीममेट, कहाँ है? हेलो गया। तू जोन में, वो जोन में ना। हटा चिकन, ए बूम। अब यार यहाँ पे एकदम खतरनाक वाला चिकन मिल चुका था एंड यहाँ पे मेरे को लगा नहीं था कि भाई इस वाले गेम में चिकन हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे तैसे चिकन कर लेते हैं। और भाई देखना इस वाले गेम से कितना प्लस मिलता है।
अब यार यहाँ पे इस वाले गेम से मेरे को 26 का प्लस मिल चुका था। बात करते हैं सेकंड गेम प्ले की। अब देखो यहाँ पे मेरा टीममेट मतलब मर चुका था एंड यहाँ पे ये रैंडम था। और भाई देखना यहाँ पे मैं इसको रिकॉल करने के लिए आता हूँ। और यहाँ पे अपने टीममेट को पहले तो भाई हमेशा यहाँ पे गाड़ी घुमा लो, मतलब जहाँ भी आप रिकॉल करने जाओ एक बार सही से चेक कर लो। और मेरे को यहाँ पे लगता नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे अभी शुरू में मेरा टीममेट मर चुका था क्योंकि वो झारकी की तरफ गया था। बट कोई ना, यहाँ पे अपने टीममेट को बुला लेते हैं। अब यार यहाँ पे हम थोड़ी बहुत लूटपाट कर रहे थे तभी मेरे को एक बॉट स्पॉट होता है। एंड मैं यहाँ पे इस वाले बॉट को क्यों नहीं मारा था क्योंकि भाई इसके पीछे से एक बाइक आ रही थी। तो ले चलो। अब यार यहाँ पे इस वाले बंदे को देखकर अगर आपको मजा आया तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई यहाँ पे मैं बॉट को भी नॉक कर देता हूँ एंड ये जो मैंने नॉक करा था इसको फिनिश कर देता हूँ। और भाई इसका टीममेट भी यही होता है और वो इसी बाइक पे होता है लेकिन मेरे को उसका कोई आइडिया था नहीं। खैर ये वाला बंदा पता नहीं कौन से नशे में भाई बाइक उठाने जा रहा था और हम इसको भी इजीली वाइप कर देते हैं। अब इसके बाद चले जाते हैं भाई हम सर्कल में। एंड भाई इस वाले गेम में आपको एक से खतरनाक स्प्रे दिखेंगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप ऐसी डुओ कॉन्करर रैंक पुश वीडियो देखने के लिए। और भाई सोलो भी करेंगे अभी एक दो दिन के बाद क्योंकि भाई अभी डुओ में यार काफ़ी हार्ड हो रहा है। अब यार हैकर भी आ रहे हैं तो कॉन्करर तो अपन लोग कर ही लेंगे भाई। अब यार यहाँ पे बात करते हैं इस वाले गेम की। तो यहाँ पे अब आ चुका था मैं इस वाले कंपाउंड में। अब सामने मेरे को एक यूएस स्पॉट होती है एंड जो वो यूएस थी मैं उसके टायर फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और फोड़ भी देता हूँ। अब यार वो वाले बंदे जो थे वो अभी सर्कल के बाहर हो चुके थे एंड वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं तो इसलिए मैं उनकी गाड़ी फोड़ देता हूँ। अब देखना वो वाला बंदा बिल्कुल ओपन से भग रहा था। अब यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वाला स्प्रे कैसा लगा। और भाई अभी यहाँ से सर्कल भी आ रहा था, अभी मेरे को सर्कल में जाना था तो देखना यहाँ से अभी और किल निकालते हैं। अभी तो इस वाले गेम में मेरे 8 किल होंगे बट यार चिकन नहीं हो पाता है क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे साथ में थर्ड पार्टी हो जाती है, मतलब मेरे साथ में। अब यार मेरे टीममेट आप देख सकते हो कि किस तरीके की हरकत कर रहा है, मतलब यार यहीं पर होल्ड करा था बट भाई पैदल ही भग जाता है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं और भाई पैदल ही भग जाता है। खैर यहाँ पे एक यूएस आ रही थी और भाई यहाँ पे जैसे मैं इस वाले यूएस पे फाड़ लेता हूँ तो यार इन वाले बंदे को मैं डैमेज दे देता हूँ। बट यार ये वाले बंदे कवर में पहुंच चुके थे और यहाँ पे सर्कल के बाहर से एक बंदा आ रहा था एंड वो वाला बंदा जो होता वो इन दोनों बंदों को फिनिश कर देगा। अभी देखना अब यार यहाँ पे सर्कल के बाहर से एक बंदा आ रहा था एंड भाई जो बंदा जो होता है वो इन दोनों बंदों को इजीली फिनिश कर देता है एंड हम उस वाले बंदे को फिनिश कर देते हैं। और भाई उसके बाद मैं इस वाले कंपाउंड पे नेड करने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ से अभी नेड जा नहीं रहा था। और उतने में मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है और इस वाले बंदे को भी एकदम ईजिली फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पर अभी अपने टोटल 8 किल हो चुके थे। अब यहाँ पर अभी हम पे सर्कल था नहीं और भाई मेरा टीममेट देख सकते हो बिल्कुल भी पास वास आ नहीं रहा है। और भाई ये जो था ये नोबड़ा था, मतलब यार इसकी हरकत देखना तुम लास्ट में। खैर यहाँ से अभी सर्कल शिफ्ट हो चुका था एंड यहाँ पे मेरे को अभी सर्कल में जाना था तो देखना। अब भाई यहाँ पे मैं सर्कल में तो आ चुका था एंड जो वो वाले बंदे थे जो इस वाले कंपाउंड में होते हैं वो लोग सर्कल के बाहर होते हैं। अब भाई मैं पीछे साइड देखता हूँ तो मेरे को पता तो था कि भाई वहाँ पे बंदे हैं तो मैं उनका व्यू ब्लॉक करने के लिए इधर ही किस्मुक करता हूँ। एंड भाई ये जो सामने बंदे थे तो इनको मैं स्पॉट करने के लिए जाता हूँ लेकिन भाई उतने में यहाँ पे देखना मेरे साथ में क्या ही स्कैम होगा। अब यहाँ पे एक बग्गी आती है तो इस वाली बग्गी पर जैसे मैं फाड़ लेता हूँ तो ऊपर साइड से एक बंदा गिरोजा से यार मेरे को नॉक कर देता है। एंड भाई यहाँ पे अपना बैड लक ये होता है कि उन वाले बंदों ने मेरे को स्पॉट कर लिया था, नहीं तो यहाँ पे मैं इजिली रिवाइव हो सकता था। बट यार कोई ना, वो वाले बंदे मेरे को डैमेज दे देते हैं और यहाँ पे मैं इजीली फिनिश हो जाता हूँ। और भाई यहाँ पे मेरी टीममेट की हरकत देखना। और भाई अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, अब सब्सक्राइब कर दो। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई बाय। Ha 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 ha!